आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सीहोर भोपाल रोड पर एक सड़क हादसे में स्कूल बस और वैन की भिड़ंत हो गई। इसमें आधा दर्जन से ज्यादा विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए। सीहोर के बिल्किसगंज भोपाल भदभदा मार्ग पर ग्राम चंदेरी के पास हुए एक सड़क हादसे में स्कूली बस और वैन की भिड़ंत में आधा दर्जन स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। दरअसल सीहोर के पचामा गांव के पास स्थित सिद्धार्थ एकेडमी माध्यमिक स्कूल की बस छात्रों को लेकर जा रही थी, तभी बिल्किसगंज भोपाल भदभदा मार्ग पर ग्राम चंदेरी के पास सामने आ रही एक वैन से इसकी भिड़ंत हो गई। इस हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। कोतवाली पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों की मदद से घायल छात्रों को 108 वाहन से जिला अस्पताल भर्ती करवाया, जहां इनका प्राथमिक उपचार किया गया है। ये अभी लगभग 3:30 बजे के आसपास, जब स्कूल की छुट्टी हो गई थी, सिद्धार्थ एक्सेलेंस स्कूल है, इसके स्कूल वैन में 6th, 7th, 8th, 9th क्लास के बच्चे थे, वो अपने घर के लिए जा रहे थे स्कूल वैन से। उसी समय बिल्किसगंज की तरफ से आते हुए, बिल्किसगंज जोड़ है उससे 2 किलोमीटर आगे चंदेरी और सीहोर के बीच में, महिंद्रा पिकअप के साथ इनका हेड ऑन एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण से 9 लोग घायल हैं, जिसमें 6 बच्चे हैं और 3 लोग एडल्ट हैं, जिसमें 2 गाड़ी के ड्राइवर और 1 क्लीनर हैं। अभी यहां पर हॉस्पिटल में इलाज करने के बाद, प्राथमिक रूप से इलाज करने के बाद, जिन बच्चों की यहां पर गंभीर अवस्था में थे, उनको 4 बच्चों को रेफ़र किया गया है हमीदिया हॉस्पिटल के लिए, और 2 ड्राइवर को भी उनके चोट को देखते हुए रेफ़र किया गया है। ये एक्चुअल में स्कूल से एग्ज़ाम के बाद जो 6 मंथली एग्ज़ाम होते हैं ना, वो देकर बच्चे जा रहे थे, और टर्निंग पर दूसरी जगह की जो वो थी छोटी बस, उससे अपने आमने सामने हेड टू हेड कोलिजन हुआ है, जिससे इंजर्ड हुए हैं और करीब 8 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर है, बाकी 3 लोगों को फ्रैक्चर है, और जो शेष जो बच्चे बच्चे हैं उनको खरोंच वगैरह है। कुछ सीरियस लोग हुए हैं जो इनको भोपाल, दो लोग सीरियस हैं उसमें, जिनको भोपाल फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। जिला कलेक्टर तरुण कुमार पिथौड़े ने भी अस्पताल पहुंचकर घायल छात्रों की उपचार व्यवस्था का जायजा लिया। इसमें से 4 गंभीर घायलों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। इस हादसे में 6 छात्र और 2 वाहनों के चालक और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।